डरेंगे और पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स देंगे, तो अभी इन्हें उतना आइडिया नहीं है। और अभी इनका रिस्पॉन्स कैसा आता है, इसलिए कुछ दिन पहले हमने कॉकरटेल का पूरा कंप्लीट सेटअप परचेस किया था, उसमें कुछ ये चिक्स मिले। हेलो दोस्तों, मैं प्रणय और गैंगस्ट के एक जबरदस्त एपिसोड में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो हम बना रहे हैं हमारे न्यू बजीज के कॉलोनी के सेटअप के ऊपर। एक पूरी की पूरी कॉलोनी हमने परचेस कर ली है, लगभग 15 से 20 पेयर के आसपास वहाँ पे थे, लगभग 18 पेयर एडल्ट थे वहाँ पे और दो जोड़ी हो गए बच्चों के। तो ये हमने कम्प्लीट सेटअप परचेस किया है और इसमें कुछ हमें हैंड फीडिंग चिक्स मिले हैं। अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये बजी पैरट के कुछ चिक्स है जो मटकियों में थे ये। और पिछले कुछ दिन पहले हमने कॉकरटेल का पूरा कंप्लीट सेटअप परचेस किया था, उसमें कुछ ये चिक्स मिले थे। और ये भी देखो बजी का छोटा चिक है, इन्हें भी हमें हैंड फिटिंग करके हम इसे बचाएंगे। और ये एक बहुत ही छोटा बच्चा है जो आपको दिख रहा होगा एंड इसे भी हम इन्हें बचाने वाले। तो गाइस इस तरह से ये हमने कंप्लीट सेटअप परचेज किया है और अभी हम आपको उनका केज भी दिखाएंगे किस तरह से वो केज में सेटअप था। उनका प्लान अभी बजीज को हटाकर कॉकरटेल रखने का प्लान था, तो उस वजह से उन्होंने कंप्लीट सेटअप रिलीज किया। और इसी के चलते मुझे एक आइडिया है क्यों ना हम हमारी कॉलोनी में बजीज का एक, क्योंकि ये कंप्लीट सेटअप शुरू सेटअप था और इसमें बच्चे अंडे रेगुलर हो रहे थे, तो इस वजह से हमने कंप्लीट सेटअप परचेस करके हमारे कॉलेज में छोड़ने का प्लान किया है। और ये कंप्लीट जो रेनी सीजन था मैंने कंप्लीट बर्ड्स नहीं छोड़े थे, कभी हमने सेटअप के अंदर बर्ड्स नहीं छोड़े थे। अभी हमने प्लान शुरू किया है, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बजी पैरट्स को लेकर। ये कुछ पेयर्स हैं, ये कुछ इसमें पीसेस मेरे पुराने हैं जो अभी हमें इन्हें पकड़ के कॉलोनी में लेके चल रहा हूँ। और सबसे पहले अभी इन्हें पकड़ लेते हैं और इन्हें सबसे पहले हम कॉलोनी में रिलीज कर देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से है ये। तो ये एक, ये दोनों तीनों मेल थे जो मुझे पसंद थे, तो इन्हें मैंने पुराने मेरे ब्रीडर्स थे तो उन्होंने मैंने खुद मैंने रखा हुआ था। तो ये तीनों हैं जो हम अभी इस सेटअप से लेके जाता। अभी हम चलते हैं, आपको वो सेटअप दिखाते हैं जो उन्होंने कंप्लीट सेटअप हमारे पास लाके छोड़ दिया था और वो आपको दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट की थी। तो चलो स्टार्ट। सो दोस्तों ये वो केज है जहाँ पे कंप्लीट उनका सेटअप था। थोड़ा हमारे कैमरा को अगर क्लोजली दिखाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा किस तरह से इन्होंने बड़ा डोर दिया था ओपनिंग के लिए और ये छोटा डोर है छोटा दाना पानी के लिए और ये बड़ा डोर था कंप्लीट अंदर जाने के लिए। इन्होंने हंडियाँ लगाई थी, लगभग यहाँ पे 15 से 20 हंडियाँ लगी हुई थी। तो इस तरह से काफ़ी सुंदर उन्होंने केज बना दिया था। हमने उन्हें चिक्स हमने उन्हें प्रोवाइड किए थे, तो उनका काफ़ी सुंदर ब्रीड हुई है उनके पास और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन किया। इसकी लगभग लेंथ 4 फीट होगी और डेप्थ में भी वो 3.5 फीट है और हाइट में भी लगभग वो 2.5 फीट है। सो काफ़ी अच्छा सेटअप था, बट इनका अभी प्लान कॉकरटेल को लेकर है, तो अभी शायद ही कॉकरटेल इसमें रिलीज करेंगे। और अभी हम तो अपने काम पे चलते हैं, हमें अभी बजीज जो है हमें रिलीज कर रहे हैं, तो किस तरह से हम बजीज रिलीज करते हैं हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। दो पेयर मेरे भी थे जो सेट थे, दो पेयर उनको भी मैं पकड़ूंगा। सबसे पहले आप आइए दिखाता हूँ मैं किस तरह के दो पेयर थे। तो दोस्तों ये वो दो पेयर है जो मैंने यहाँ पर सेट किए थे, अगर आप क्लोजली लुक देखें इनका तो आपको पता चलेगा दो बिल्कुल जुड़वा दो पेयर से, एक वो सिंगल फैक्टर स्पैंगल था ये एक पेयर और ऊपर वाला ये दूसरा पेयर है, बिल्कुल कॉपी टू कॉपी पेयर से दोनों। सो दोनों मैंने इसमें छोड़े थे बट पता चला कि ये झगड़ रहे, देख सकते हैं आप ये मेल के ऊपर काफ़ी उसे मारा गया है इस मेल के द्वारा, तो काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे थे इसमें, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी इनको भी मैं साथ ही में रिलीज कर दूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये है वो बर्ड्स सारे जो अभी हम हमारी कॉलोनी में रिलीज करने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें भी पकड़ लूँ और हमारी कॉलोनी में हम रिलीज करते हैं। खाली बस खाली बस
तो दोस्तों अभी हम सेटअप के हमारे अंदर आ गए हैं। ये कुछ बजीज है जो हमने अभी अंदर ले लिए है। सेटअप आप अभी जैसे कि देख सकते हैं पूरा का पूरा खाली है। इसका खाली रहने का कारण यही था। अभी आप देखें इस तरह भी मैंने सारी मटकियां लगा दी है और मटकियों के सामने यहाँ पे मैंने कुछ रॉड्स लगा दिए हैं ताकि यहाँ पे उन्हें बैठने में आसानी जाए और हड्डियों में उनके एक्सेस के लिए बहुत अच्छा हो जाए। यहाँ पे हमारा वही है, यहाँ पे हमने कुछ ब्रीडिंग बॉक्सेस लगा दिए क्योंकि उनका ऑप्शन रहेगा अगर उन्हें ब्रीडिंग बॉक्सेस में ब्रीड करना है इसमें करना है ब्रीड। ये हमारे डबल फ्लोर के कुछ बॉक्सेस है, मीन्स ऊपर में लिविंग रूम है, नीचे में बेडरूम है। इस टाइप का अंडे को नीचे देंगे और बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद ऊपर चले जाएंगे। तो इस प्रकार का हमने ये ब्रीडिंग बॉक्स कुछ रखे हैं, बट बेसिक उनका ये हंडिया ही है। नीचे में आप देख सकते हैं काफी सारी हंडिया और भी हमने रखी है। अगर ये हमारा बजी पर्स का अगर प्लान सक्सेस हुआ तो हम ये आगे भी इस दीवार पर यहाँ पर आगे भी कुछ चेंजेस करते हुए हम यहाँ पर और यहाँ पर काफी हद तक हम मटकियां और अरेंज कर देंगे अगर ये सक्सेसफुल रहे तो। अभी लगभग ये 15 से 20 पेयर है। ये कारण था गाइस, मैंने कॉलोनी में अब तक बर्ड्स छोड़े नहीं थे क्योंकि मैंने छोड़े थे अफ्रीकन लॉबर्ड्स को, हमने ट्राई किए थे छोड़ना, पर हुआ ये था कि यहाँ पर वायरल काफी आ रहा है, हमारी सिटी नागपुर में काफी वायरल हुआ है। तो इस वजह से मैंने अभी डिसइंफेक्टेंट से पूरा का पूरा एरिया जो है वो पूरा का पूरा सैनिटाइज किया है। सबसे पहले एक ग्लिम्स आपको दिखा देता हूँ, अभी आप देखना इस वीडियो पर। तो दोस्तों यहाँ हम यूज कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट, ये विक्रॉन एस स्प्रे आप यूज कर सकते हैं, इसमें आप डेटॉल यूज कर सकते हैं, फिनाइल का पानी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने पूरे सेटअप में कंप्लीट डिसइंफेक्टेंट यूज कर लिया और इस प्रोसेस में लगभग मुझे 5 से 7 मिनट लगे, बट ये आपको प्रोसेस करना ही है बर्ड्स को पहले छोड़ने के पहले, ताकि कोई भी अगर इन्फेक्शन हो, क्योंकि मेरा बर्ड्स का रेगुलर काम है। सो मेरे नए बर्ड्स आते हैं सेटअप के अंदर जाते हैं, सो कौन कैसी, कभी होता है कि कभी अगर कोई इन्फेक्शन लेके आ जाए तो उसका डर रहता है। सो यहाँ पे हमारे फार्म पर ये प्रोसेस होता ही है, हर मैं तीसरे दिन ये प्रोसेस करता हूँ ताकि बर्ड्स को कोई बीमारी लगने का डर ना रहे। तो दोस्तों इसमें मुझे 5 से 7 मिनट लग चुका है और ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो चुका है। अभी हम बर्ड्स छोड़ने के लिए रेडी है, 2 से 3 घंटा हम इसे सूखने देंगे, उसके बाद हम इसमें बर्ड रिलीज करेंगे। आपने देखा होगा किस तरह से हमने सैनिटाइजेशन की प्रोसेस किया था और वो बहुत जरूरी है किसी भी सेटअप में। आप जब नए बर्ड्स डालते हैं एक डिसइंफेक्शन या फिर सैनिटाइजेशन, अभी तो कोरोना के चलते और भी उसका इम्पोर्टेंस बढ़ चुका है, तो उस तरह से आप करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये अभी कुछ पेयर्स हैं हमारे जो हम अभी सेटअप के अंदर छोड़ना चाहते हैं और अभी देखते हैं, क्योंकि सेटअप तो पूरा खाली है उस वायरल के कारण। मैंने उसमें बर्ड्स कुछ भी नहीं छोड़े थे बीच में, और बर्ड्स ना छोड़ते का वजह ये भी थी कि इन्फेक्शन काफी फैल गया था। एक नॉर्मल एक वायरल बुखार आता है बर्ड्स के अंदर, वो उन्हें हो चुका था, तो काफी सारे बर्ड्स मेरी डेथ हुई थी स्टार्टिंग में। तो उस वजह से मैंने सारे बर्ड्स अभी खाली किए। बारिश पूरी खत्म हो जाने दी है और अभी बारिश पूरी खत्म हो जाने के कारण अभी तो विंटर सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी ये परफेक्ट सीजन है बर्ड्स के लिए, अगले 4 महीना 6 महीना हमें बहुत अच्छी ब्रीड मिल सकती है, इनसे उम्मीद यही है। तो बेसिक से स्टार्ट किया हमने, बजीज पर स्टार्ट किया है, ओपन में सारे बजीज रखेंगे क्योंकि ये मेरा ओपनिंग का दरवाजा जो है ये आप दौड़ देख रहे हैं, कंप्लीट 6 फुट का ओपनिंग है। तो कभी ये खुला रह गया तो इसके में प्रॉब्लम ये होगा कि अगर कॉस्टली कोई म्यूटेशन रही और वो निकली है बाहर तो काफी बड़ा लॉस होने का खतरा है। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम सिर्फ बड़ी पैरट्स रखेंगे। तो दोस्तों चलो अभी रिलीज करते हैं। सबसे पहले हम दरवाजा बंद कर देते हैं। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे फीडिंग का अरेंजमेंट किया है, यहाँ पे हम फीड डालेंगे इनके लिए और कंप्लीट एवियरी में यहाँ पे ये ओपन घूमने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम इस तरह से रिलीज करते हैं हमारे पैर्स। तो सबसे पहले अभी ये रिलीज करते हैं, देखते हैं किस तरह से इनका माहौल रहता है, तो कैसे ये रिलीज होंगे। अभी हम यहाँ अभी खोल के देखते हैं इनका कैसा माहौल। स्टार्टिंग में तो डरेंगे और पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स देंगे, तो अभी इन्हें उतना आइडिया नहीं है कहाँ पे बैठना है क्या करना है। तो अभी वो स्टार्ट है, देखते हैं किस तरह से इनका रिस्पॉन्स रहता है। अभी बाहर खुद से निकले तो बेस्ट रहेगा, कोशिश करते हैं खुद से निकले। ये सेकेंड बहुत मजा आ रहा है, थर्ड काफी बड़ी एरिया है घूमने के लिए, तो उस वजह से सारे धीरे धीरे करके हम बर्ड रिलीज कर ही लेते हैं ताकि कुछ खुद से जाएंगे कुछ को हमें रिलीज करना होगा। तो इस तरह से अभी इन्हें क्या है कॉन्फिडेंस नहीं है,
कंप्लीट फ्लाइट का। तो अभी देखिए ये बॉन्डेड, काफी बॉन्डेड पेयर है वो, काफी जबरदस्त बॉन्डेड पेयर है। अभी आप देखो उसका मेल उसके पास ही आके बैठेगा, तो वो भी आपको दिखेगा किस तरह से उसका बॉन्ड लगा हुआ है। अभी देखते हैं अगर ब्रीड कर गए तो बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि ये सारे एक ही जगह के सेट पेयर है, तो उम्मीद है कि ब्रीड बहुत तगड़ा मिले। अभी हम ये बड़े जो पेयर है उन्हें भी रिलीज करते हैं, देखते हैं इनका रिस्पॉन्स कैसा आता है रिलीज के बाद। ये कोई बर्ड नहीं, मुझे तो लगता है सबसे पहले एक दो बर्ड ऐसे हैं इसमें जिनकी फ्लाइट थोड़ी कमजोर है, तो उनको हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़े छोटे के लिए उन्हें रखेंगे, उसके बाद ही हम उन्हें रिलीज करेंगे। तो ये मेरा प्लान था यहाँ पे वैसे ओपन छोड़ने का, और बड़ा प्लान है ज्यादा बर्ड रखने का प्लान है, बट अभी फिलहाल स्टार्ट से हम ज्यादा बर्ड ना रखते हुए बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, नॉर्मल बजट से हम स्टार्ट करेंगे, और किस तरह से हम रिलीज कर रहे हैं वो आपके सामने है। और देखते हैं, उम्मीद है मजा आ रहा होगा बड़ी एरिया में, क्योंकि लगभग यहाँ पे भी सारे के सारे जमा हो चुके हैं यहाँ पे आप देखें, और किस तरह से उन्हें अभी तो कुछ समझा नहीं उन्हें, बहुत बड़ी एरिया में कुछ बर्ड्स की इसमें फ्लाइट कमजोर है, उस पर मुझे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और उन्हें थोड़ा सीखना पड़ेगा, इसके भी कमजोर है फ्लाइट, उन्हें थोड़ा ध्यान रखते हुए हमें रिलीज करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कुछ बर्ड्स हम हाथ से रिलीज करते हैं इसके अंदर, उन्हें एक आइडिया आ जाए उन्हें कहा जाना है। कुछ एक दो बच्चे भी हैं इसके अंदर, वो भी हम जिसकी फ्लाइट मुझे कमजोर लग रही है उन्हें तो मैं पहले ही साइड करने वाला हूँ। और अभी ये नहा के निकली है तो इसकी जो फ्लाइट कमजोर है, और ये है एक बच्चा छोटा, वो देखते हैं इसका तो फ्लाइट बहुत ही कमजोर है, ये तो प्रॉपरली उड़ेगा भी नहीं, तो देखेंगे किस तरह से रिस्पॉन्स देता है। तब तक के लिए जब तक अभी फिलहाल हमें इन्हें ऑब्जर्व करना है किस तरह से ये रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ देर बाद हमें समझेगा, तब तक के लिए हमारा वीडियो अभी फिलहाल के लिए पॉज करते हैं। तो दोस्तों ये है सीन, अभी इस वक्त आप देखें किस तरह से इन्होंने रेस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है, और पैर भी अभी लग रहे हैं, लग तो गए हैं ये सारे एडल्ट ही है, बट सेट होना अभी शुरू हो गए हैं, अभी धीरे धीरे इनका थोड़े से खुल जाएगी तब इनका रेस्पॉन्स देखने में मज़ा आएगा। अभी तो आप देख सकते हैं ये कुछ सेट पैर से पहले के जो लगे पड़े हैं यहाँ पर, और अभी इनका रेस्पॉन्स कैसा आता है वो हमें पता चलेगा। इनकी प्रोग्रेस ज़रूर मैं आपको हफ्ते भर के अंदर या फिर तीन चार दिन के अंदर आपको प्रोग्रेस दिखी जाएगी, किस तरह से ये प्रोग्रेस करते हैं वो भी आपको इस में दिखाई दूंगा। तो इस तरह का दोस्तों हमारा सेटअप है, यहाँ पे मैंने कुछ बांस लगा दिए हैं उन्हें बैठने के लिए, और यहाँ पे कुछ रॉड, और ये हमारा सेटअप अभी खाली है क्योंकि अभी आपको जैसे बताया मैंने ये सीज़न थोड़ा ख़राब था, और इस वजह से मैंने थोड़ा होल्ड किया था बर्ड्स, इस वक्त मैंने बर्ड्स रिलीज नहीं किए थे, बट अभी हमने स्टार्ट किया है नॉर्मल बजीज से, और नॉर्मल बजीज से हम शुरू करने के बाद किस तरह से हम इसमें अलग अलग अभी सारी म्यूटेशंस डालते हैं वो अभी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। इस कॉलोनी में हम अगर साथ में ब्रीड कराते हैं अलग वैरायटी को तो वो देखा जाएगा, बट इस वक्त तो भी मेरा प्लान अलग वैरायटी छोड़ने का है नहीं है, वो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि बजीज के साथ कॉकाटेल जावा ये रह सकता है, बट अभी मैं यही देख रहा हूँ किस तरह से बजीज सेट होते हैं, अगर सेट हो गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 50 के 60 मटके लगाई हुई है, तो यहाँ पे प्लान मेरा 50 पेयर का है, बट अभी हमने 20 पेयर से स्टार्ट किया है, तो देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ते हैं, और पता ही चल जाएगा, जल्दी ही पता चल जाएगा अगर ये होते हैं सेट तो। इस कॉलोनी में लगभग हमारा बहुत बड़ा सेटअप का प्लान है, लगभग यहाँ पे 500 पेयर मेरा प्लान है छोड़ने का, अगर ये सक्सेस दे जाते हैं तो हम लगभग 500 पेयर का बहुत बड़ा सेटअप यहाँ पे लगाएंगे, और ये जो छोटे केजेस है इसमें हमारे जो कॉस्टली म्यूटेशन है हम उसकी ब्रीड यहाँ पे लगाएंगे। तो किस तरह से हमारा वीडियो किस तरह से आपको वीडियो लगा तो गाइस प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, किस तरह से कॉलोनी लगी, किस तरह से हमारा स्टार्ट लगा आपको कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। काफी दिनों बाद वीडियो आई है हमारी, बट आई है, पर उम्मीद है प्रोग्रेस बहुत अच्छी लेने वाली है हमें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।